मैंने जब अमेरिका में जॉन बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि उनकी जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया की थी, तो क्या मैं जॉन बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूँ? लोग बहुत कुछ बातें करेंगे। मैंने जब अमेरिका में जॉन बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि उनकी जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया की थी, तो क्या मैं जॉन बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूँ? अगर दुश्मन कोई अच्छा भी हो और उसकी कोई तारीफ करने वाली चीज़ हो तो हमें राजनीति में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो निर्णय शक्ति पावरफुल करते हैं तो हमें भी पावरफुल निर्णय लेने पड़ेंगे ना, तुरंत निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर समय व्यतीत करोगे तो लोग उससे दूर भागते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो पार्टी की मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे नौजवानों को बस जगह मिले, यही मेरी बात है और वो बात मैं खुल के कहता हूँ। लोकतंत्र में यही तो फ्रीडम है। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उनको, तो मेरे ख्याल से अब उनको उन्हीं के जैसी युवा सोच रखने वाली, युवा जोश रखने वाली और संघर्ष को अपना विचार मानने वाली पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे हार्दिक पटेल है, वो संघर्ष करके आए हैं, अपने दम पे वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को झेला है और तब जाके वो यहाँ पहुँचे हैं। तो उन्हीं के जैसे विचार के दम पे खड़ी हुई पार्टी, उन्हीं के जैसे लोगों से चल रही पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। तब उस उनको कांग्रेस के सामने शिकायत करके अपना वक्त ख़राब करने की बजाय, जो भी उनका जो वक्त है वो यहाँ कंट्रीब्यूट करके गुजरात के लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहिए।